चेयरमैन अली बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। 1995 में अली बिल्डर्स की बुनियाद रखी और 1995 से 2019 तक का सफ़र एक जद्दोजहद का सफ़र, स्ट्रगल। मार्केट में हमेशा ये कोशिश रही हमारी कि अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराएं, बिलखसूस रिलेटेड हों जो कि रियल एस्टेट से। जो हमारा फोकस है वो M9 पे अलकाइम हाउसिंग, हमारा प्रोजेक्ट जिसे हम बजा तौर पर, फख्रिया तौर पे ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान का पहला स्मार्ट सिटी है। प्रोजेक्ट बनाना, हाउसिंग स्कीमें बनाना और वहाँ पर लोगों को आबाद करना, ये बिजनेस ज़रूर है, लेकिन अगर इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के बाद आपकी और बनाने के साथ साथ आपकी ये सोच हो कि जिस एरिया में आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी सराउंडिंग्स आपके उस प्रोजेक्ट से मुस्तफीद हों, तो उस प्रोजेक्ट के पीछे एक विजन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अलकायम हाउसिंग का एक विजन है। अलकायम हाउसिंग में हम अपना ट्रामा सेंटर और हॉस्पिटल, बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल हम दे रहे हैं। फिर एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर जो कि हमारे प्रोजेक्ट में पहली बार मुतारफ कराया जा रहा है। एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर को समझने की ज़रूरत है कि हम जिस लोकेशन पर बैठे हैं वह M9 की लोकेशन है और वहाँ पर किसी भी हादसे की सूरत में कभी एम्बुलेंसें हैदराबाद से मंगाई जा रही होती हैं तो कभी कराची से, और फासला ज़्यादा होने की वजह से हैदराबाद और कराची का वहां पे कैजुअलिटीज के रेशो बढ़ जाते हैं। हमने देखा कि हाउसिंग स्कीमें बनती हैं लेकिन उनमें नामुनासिब पार्किंग एरियाज नहीं होते, तंग गलियां होती हैं। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने अलकायम हाउसिंग को जिस स्टाइल में डिज़ाइन किया उसमें उसकी चौड़ी गलियां, वाइड रोड्स, बड़े पार्क्स और उसके अलावा दीगर एक्टिविटीज़ हैं जो कि उस गेटेड कम्युनिटी को अंदर रहते हुए उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करेंगी। उसमें शॉपिंग मॉल्स हैं, उसमें सिनेमास हैं। मैं अली बिल्डर्स डेवलपर एंड प्लानर के सिविल इंजीनियर के हेड का इंचार्ज हूँ। मेरा नाम कर्नल इंजीनियर वकार अहमद है। इसके सारे इंजीनियरिंग के मामलात को देखते हैं जो कि इंटरनेशनल और पाकिस्तान के बायलॉज के मुताबिक की प्लानिंग, डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। हम एक खास मैनेजमेंट के तहत काम करते हैं जो कि फेजेज वाइज किसी नुकसान वक्त ज़ाय किए बगैर जो पब्लिक के काम है उसको पूरा करते हैं। इनमें हम फेज वाइज में जो काम करते हैं और मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट को मद्देनजर रखते हुए हम सबसे पहले हम उसकी ऑर्गेनाइजेशन के पर काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में हमारे प्लानिंग और डिज़ाइनिंग सेक्शन होता है। Thank you.
एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट जमीनी हालात को देखते हुए हम अपने डिजाइनिंग और प्लानिंग के तहत उसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करते हैं और उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। इस काम के लिए हम क्वालिटी चेकिंग के पूरा एक निज़ाम मौजूद है और इसके अलावा हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच है। टाइम के हिसाब से जिस किस्म के टेक्निकल नॉन टेक्निकल मैन पावर चाहिए वो लेते हैं और उसको ऑन ग्राउंड हमारे प्लानिंग के तहत एम्प्लॉय करते हैं और उसके साथ हम रिजल्ट भी लेते हैं। एक और डिपार्टमेंट होता है जो कि हमारे इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम शुरू किया है ताकि हम क्वालिटी को मेंटेन करें, क्योंकि मार्केट में हर चीज़ कंप्रोमाइज़ होती है। हम इसी कंपनी किसी चीज़ पर कंप्रोमाइजिंग नहीं करना चाहती है, लिहाजा उसके मद्देनजर रखते हुए हम मैन्युफैक्चरिंग के अपनी फैक्ट्री को लें जिसमें हम RCC पाइप पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अंदर हम हॉर्टिकल्चर प्लानिंग के तहत एरिया को ग्रीन कर रहे हैं जिसमें हम पार्क की डेवलपमेंट और इन हाउस फ्राइज फायर हिल्स 5 के अंदर सेवरेज सिस्टम पूरा एक बना रहे हैं, जिस सेवरेज के तहत पूरा एक सेप्टिक टैंक का ट्रीटमेंट प्लांट होगा जो हम उसको रिसाइकल करके उसी के पानी को हम रीयूज कर सकें। My name is Amir Raza and I am the legal advisor of Ali Builders and Developers. जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, उनसे अप्रूव्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीगल टीम 24 घंटे अवेलेबल होती है किसी भी किस्म का कोई भी मैटर लीगली उसको रिजॉल्व करने के लिए। जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर नॉट अ सिंगल कंप्लेन हैज़ बीन filed our large against us and alhamdulillah agar kisi bhi kisam ka koi bhi legally koi problem aa jati hai then usko hum 24 hours ke andar us problem ko resolve kar dete hain। हमारा इदारे के खिलाफ किसी भी किस्म की किसी भी गवर्नमेंट इदारे के अंदर कोई भी कंप्लेन मौजूद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद हुसैन है और मैं अली बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में गुज़िश्ता 3 सालों से बतौर फाइनेंस मैनेजर के अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। फाइनेंस मैनेजर होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि कंपनी के साथ मिलकर हम ऐसे फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करवाएँ जो कंपनी के लिए और हमारे कस्टमर्स के लिए बेहद फ़ायदेमंद हो। इस सिलसिले में कंपनी ने बहुत सारे पेमेंट प्लान इंट्रोड्यूस करवाए हैं जहां पर कस्टमर्स अपनी सहूलत के मुताबिक, अपनी आमदनी के मुताबिक, अपनी बचत के मुताबिक कोई भी पेमेंट प्लान चूज कर सकता है। इसी तरह हमने लमसम पेमेंट पर डिफरेंट डिस्काउंट ऑफर किए हैं जहां पर कस्टमर को 5% से लेकर 20% तक डिस्काउंट हासिल करने का मौका मिलता है। हमारे ऑनलाइन प्लॉट ट्रेडिंग मॉड्यूल के जरिए कस्टमर अपने प्लॉट की ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकता है। इसी तरह ट्रांजेक्शन अलर्ट के ज़रिए कस्टमर्स को वाया SMS और वाया ईमेल मालूमात फराहम की जाती है।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हरा है और मैं अली बिल्डर्स में एज अ रिकवरी मैनेजर काम करती हूँ। और हमारे रिकवरी डिपार्टमेंट में लोगों के इश्यूज सॉल्व करने के लिए 24 घंटे टीम अवेलेबल होती है। रिकवरी के हवाले से हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, मंथली बेसिस पे पेमेंट जमा करवाते हैं। हमारे रिकवरी डिपार्टमेंट में आपकी आसानी के लिए 24 घंटे टीम मौजूद रहती है, जो पहले भी आपकी आसानी के लिए काम करती आई है और इंशाल्लाह आगे भी करती रहेगी। मेरा नाम आजम अली मुगल है। मैं बतौर एडमिन मैनेजर 6 साल से अली बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में अपनी खदमात सरंजाम दे रहा हूँ। कंपनी की पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्लाइंट्स के मसाइल को हल करना मेरी जिम्मेवारियों में शामिल है। इसके लिए हमने पाकिस्तान भर में अपने रीजनल ऑफिसेस कायम किए हैं, जो मुल्क भर में मौजूद हमारे क्लाइंट्स को क्वालिटी सर्विसेज मुहैया करने में कोशा हैं। हमारी कंपनी का मकसद आने वाले वक्त में तमाम छोटे बड़े शहरों में अपनी खिदमात और तसल्ली बख्श सहूलियात मैसर करना है। अलकायम हाउसिंग सिर्फ एक हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक विजन है। विजन पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की इस्तेहकाम के लिए और पाकिस्तान की मैशियत को मुस्तहकम करने के लिए। हमें, हम जिस शोबे से भी ताल्लुक रखते हैं, जरूरत इस बात की है कि हम अपने वतन को इस्तेहकाम बख्शने के लिए कोशिश करें, चाहे हमारा ताल्लुक रियल इस्टेट से हो, चाहे हमारा ताल्लुक किसी और शोबे से हो। यह हमारा विजन होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं।